जय श्री श्याम बच्चों, कैसे हैं सब? तो चलिए, जैसे कि आप सबको पता है सीएमए फाउंडेशन बच्चों के एग्जाम के अब लगभग 2 महीने रह गए। मैं ऑलरेडी 2 मंथ स्ट्रेटजी रिगार्डिंग इकोनॉमिक सब्जेक्ट का जो पेपर नंबर आपका 4 है उसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, ठीक है। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से वो देख सकते हैं। आज मैं बताने वाला हूं बच्चों 2 मंथ स्ट्रेटजी इन बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए। लगभग मानता हूं कि आप लोगों ने काफी सारे चैप्टर्स कर भी लिए होंगे, बट जिस तरीके से मैं बता रहा हूं बस एक बार फॉलो करके देखिए और फिर अपना रिजल्ट देखिए आप किस लेवल तक आपका रिजल्ट आता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2 मंथ स्ट्रेटजी इन बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। क्या होनी चाहिए स्ट्रेटजी बच्चों, ठीक है। तो अगर देखा जाए आपका जो ये पेपर नंबर 3 है, ठीक है, इसको 4 भागों में तो ऐसे डिवाइड किया गया है। एक है स्टैटिस्टिक्स पोर्शन, एक है अर्थमेटिक, एक है एलजेब्रा और एक है कैलकुलस। तो चाहे ऐसे कई सारे बच्चे होते हैं जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के होते हैं, दैट मीन्स 11th 12th में उनके पास मैथ्स नहीं होती है, तो इसलिए मैंने यहां पर कैलकुलस को इतना फोकस नहीं किया है, ठीक है। आप लोगों ने बस ये 3 चीजों पर फोकस करना है, वो भी क्या, स्टैटिस्टिक्स के अंदर मैं बात करूं तो बच्चों इसके अंदर आप लोगों ने क्या देखना है सर, अगर इसके अंदर मैं बात करूं तो ध्यान से समझना। स्टैटिस्टिक्स के अंदर सबसे पहला चैप्टर आप उठा लो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, यहां से थ्योरी क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऑलरेडी मानता हूं कि आप लोगों ने लगभग कंप्लीट कर लिया होगा, रिवीजन कर रहे हैं तो इस चैप्टर का जो रिवीजन है बहुत बेहतरीन तरीके से कीजिए, यहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद आता है आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, ठीक है, कोरिलेशन रिग्रेशन इंडेक्स नंबर। तो बच्चों बात करूंगा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और कोरिलेशन एंड रिग्रेशन की, तो ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, फॉर्मूला बहुत अच्छे से करके जाइए, आसानी से यहां से क्वेश्चन आप निकाल पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों नेक्स्ट इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर स्टैटिस्टिक्स में वो चैप्टर है जिसके अंदर से थ्योरिटिकल एज वेल एज जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो बस अगर आप ये 1 2 3 4 चैप्टर कर जाते हैं बच्चों तो आसानी से आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं स्टैट्स के अंदर, ठीक है। अब आपने करना क्या, अर्थमेटिक, इसका रिवीजन कैसे करना है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्यूटीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड है पूरा चैप्टर, तो इसको आपने बहुत अच्छे से करना है, अच्छा वेटेज रखता है बच्चों। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, ये आपने अच्छे से करके जाना है, और कर सकते हैं आप एक टाइम एंड डिस्टेंस, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे स्पीड हो गया या टाइम हो गया या डिस्टेंस हो गया, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर्मूला आपको पता ही है, बस वही एक ही फॉर्मूला काम आना है, क्या, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, तो उसी के बेस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो। तो अगर ये आप करके जाते हैं ये 3 चैप्टर मोटा मोटी, तो अर्थमेटिक में भी आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बच्चों आप लोगों को एक बात बता दूं, हमारा सीएमए फाउंडेशन का कोर्स बिल्कुल लाइव है और बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में है, और यहाँ पे आपको सिर्फ कंसेप्ट ही नहीं बल्कि आईसीएमआई मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं, जितने भी एमसीक्यूज हैं, ट्रू फॉल्स है, मैच द फॉलोइंग है, सब कुछ आपको वहां पर देखने को मिलेगा। तो बच्चों उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, वहां जाइए कोर्स परचेज करिए मिनिमम प्राइस में और अपनी जो स्टडी है वो स्टार्ट कर लीजिए। उसके बाद आते हैं बच्चों नेक्स्ट हम एलजेब्रा, ठीक है। एलजेब्रा के अंदर आपने क्या करना है, इंडिसेस एंड लॉग, काफी आसान चैप्टर है, आसानी से निकाल लोगे। और एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो आप लोगों ने आई थिंक 8th 9th 10th में भी किया है, तो उसी तरीके का आने वाला इसमें, जैसे रूट निकालना होता है कई बार, है ना, अल्फा बीटा ये किया है आपने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन, तो ये सारी चीजें इसमें पूछी जाती है। तो बस ये सब आपने जब रिवाइज कर लिया एक बार अच्छे से, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप लोग जो आपके मॉड्यूल आईसीएमआई का जो मॉड्यूल है उसके अंदर से आपने एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिलेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलेंगे, है ना, उसके बाद आपको वहां पे ट्रू फॉल्स और मैच द फॉलोइंग, ये तो करना ही करना है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको छोड़ दो, उसको करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ कंसेप्ट के लिए आपको प्रैक्टिस करने होते हैं बच्चों, है ना, जो कि अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम हमारे पास लिमिटेड टाइम है। जब आपका ये सारा हो जाएगा और जरूर 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 आप लोगों ने मॉक टेस्ट पेपर देना है बच्चों, जितना ज्यादा हो सके मॉक टेस्ट पेपर दो, है ना, इससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस टाइप के पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये जरूर फॉलो करिए तो आपको डेफिनेटली मैं कह सकता हूं आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा।
मिलते हैं अगली वीडियो में बच्चों, और एक स्ट्रैटेजी के साथ और एक पेपर की स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।